आखिरकार मास्क के पीछे छुपे चेहरे को वंश ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। वंश ने कबीर को टेबल के अंदर छुपते हुए देख लिया और पूरी फैमिली के सामने किया बेनकाब। वंश ने सभी को मैसेज पहुंचाया था कि 4 बजे सारे राज खुल जाएंगे। कबीर को पकड़ वंश ने आधी सच्चाई तो जान ली और वंश जब आए थे तो उनके एब्सेंस में आग लगना, दादी पर गोली चलाना, ये जितने भी हादसे हुए, ये सुन वंश ने रिद्धिमा को भी कहा कि उसने वंश को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि घर में इतना सारा कुछ ड्रामा चल रहा है। तभी घर वालों ने रिद्धिमा पर ही इल्जाम लगाए कि ये सब रिद्धिमा ने किया है। तो रिद्धिमा ने भी कहा कि मैं तो सिर्फ सेजल को ढूंढ रही थी और बाकी सब हादसों के लिए वो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। अब वही वंश ने कहा कि सेजल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पास सेफ है। इसी बीच रिद्धिमा को भी डर है कि कहीं सेजल ने कबीर और रिद्धिमा के रिश्ते को लेकर बात तो वंश के सामने छेड़ी नहीं है, जिसकी वजह से रिद्धिमा ने वंश के पास जाकर कोशिश भी की कि वंश उसे कुछ तो बता दे, लेकिन वंश भी कहां बताने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बस वो सेफ है, इतना रिद्धिमा तुम्हारे लिए जानना अभी जरूरी है। पर अब शो में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। वंश ने जैसे ही कबीर पर बंदूक तानी तो कबीर को बचाने के लिए रिद्धिमा दौड़ी चली आई और वंश का हाथ पुश करके बंदूक को हटा देती है रिद्धिमा, जिसे देख वंश शॉक हो गए हैं। अब क्या कबीर और रिद्धिमा के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ये जानना वाकई में बहुत ही मजेदार ही होगा, क्योंकि ये राज सिर्फ शो में बड़ा ट्विस्ट नहीं लाएगा बल्कि वंश और रिद्धिमा की जो अभी अभी शुरू हुई प्रेम कहानी थी उसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। तो जानने के लिए देखिए ये सारी ट्विस्ट एंड टर्न से जुड़ी सारी राज आपको हम जल्द ही बताएंगे, और ये सारे राज जानने के लिए देखते रहिए फीफा फूस टीवी।